मेरा नाम है चिराग जानी और पोरस में मेरा नाम है दस्यु किंग अरनायक। किस तरह का किरदार है ये, कितना एंजॉय किया आपने? मेरा जो किरदार है, मैं जो हूँ समुद्री लुटेरा हूँ और समुद्री लुटेरे का राजा हूँ मैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि आज से पहले ऐसा किरदार या ऐसा राज्य टेलीविज़न इंडस्ट्री में नहीं दिखाया गया है। हमारे जो मेकर है सिद्धार्थ सर, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी रिसर्च की है। ये इससे पहले आपने सिर्फ समुद्री लुटेरे हॉलीवुड में देखे होंगे, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में, पर ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन से भी कुछ अलग अनुभव होगा आपको देखने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है किरदार भी मेरा, दस्यु राज्य का राजा हूँ मैं। पोरस जो है वो हमारे राज्य में पला बढ़ता है, उनकी ट्रेनिंग जो है वो हमारे पास होती है, और उसके अलावा जो मेरी बेटी है इस शो में, उसका अफेयर जो है वो पोरस के साथ होता है। तो काफ़ी उतार चढ़ाव है मेरे ट्रैक में, काफ़ी शेड्स है और काफ़ी हिस्ट्रीज भी है मेरे शेड्स में, के कुछ बैक स्टोरीज भी है जो आगे जाके पता चलेगा। कितना मुश्किल है कॉस्ट्यूम गले में, हैवी? कॉस्ट्यूम जो है मुश्किल तो मैं नहीं बोल सकता, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आप ये मेरी बियर्ड देख रहे हैं, वो जो बियर्ड है वो ओरिजिनल बियर्ड है, ऐसा नहीं कि हमने ऐसे चिपका दिए। तो इसके लिए हमने तकरीबन, मैं एक साल से अपनी बियर्ड को ग्रो कर रहा हूँ और काफ़ी सारी मेहनत की है। बाल जो है वो भी ओरिजिनल है, जो जो भी चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे ओरिजिनल है, यहाँ पे कुछ गलत तरीके से नहीं लगा। तो जो भी चीज़ है वो आपको ओरिजिनल दिखेगी, काफ़ी मेहनत की है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कैरेक्टर करने, किरदार करने से। कहीं ना कहीं स्टोरी इंडिया से बाहर भी जाती है और बाहर भी शूट किया गया है, और एक बाहुबली जो मूवी है उसके बाद शायद पहला ऐसा टीवी शो है जो इतने बड़े शो के उस पर किया जाए। हम शूट करने के, क्योंकि मेरा जो राज्य है उसका इनिशियली हमने बैंकॉक में शूट किया है, एंशियंट सिटी करके जगह है, वहाँ पे हमने मेरा राज्य का शूट किया है। तो मेरा राज्य बेसिकली बैंकॉक में दिखाया गया है और वहाँ का हमने यहाँ पे उमरगांव में सेट बनाया है, और कंपैरिजन हम नहीं कर सकते क्योंकि बाहुबली जो है इट्स अ डिफरेंट एंड पोरस है इज़ अ डिफरेंट, बट इफेक्ट जो यूज़ किए हैं इज़ द लार्जर देन लाइफ। जैसे बाहुबली में आपने देखे हैं, तो आई थिंक बाहुबली से भी तारीफ़ नहीं करता, पर आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि बाहुबली से भी अच्छी तरीके से हमने VFX यूज़ किए हैं। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।